1945 को अमेरिका ने जापान पर दो परमाणु बम गिराए, एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। और इन दोनों हमलों में हजारों लाखों जापानी सिटीजन की जान चली गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन इन 75 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज जापान और अमेरिका इतने क्लोज फ्रेंड है। 2011 के एक सर्वे में पाया गया कि 85% जापानीज अमेरिका को अपना सच्चा साथी मानते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर जापान अमेरिका से नफरत क्यों नहीं करता, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बैक जाना होगा। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर राजा सोवा का शासन था और वो अपने मिलिट्री को लगातार बढ़ा रहे थे और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अपने मिलिट्री को बस एक बात कही थी कि प्रिजनर ऑफ वॉर बनने से अच्छा है कि आप लड़ाई में लड़ते लड़ते अपनी जान दे दो। और शायद इसलिए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जापान ने एशिया के कितने भाग को अपने कब्जे में कर लिया है। ये जापान का 1945 का मैप है और ये आज का मैप है। वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया की तरह ही जापान भी एक कम्युनिस्ट देश बन जाए। अमेरिका ने जापान को करीब 7 साल यानी कि 1952 तक अपने कब्जे में रखा। इस दौरान उसने जापान की इकोनॉमी को मजबूत बनाया, लोगों को एजुकेट किया, अपने टेक्नोलॉजी अपने आइडिया शेयर किए और फुल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि जापान के लोग खुद चुनेंगे कि उन पर राज कौन करेगा। दोस्तों, आज जापान दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इसके आगे भारत की जीडीपी बहुत कम है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है जो अपने गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों, 1951 में जापान के पीएम योशिदा ने अमेरिका के साथ एक ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कि ये बात कही गई थी कि दोनों देश किसी भी संकट के समय में एक दूसरे को मिलिट्रीली सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, इस ट्रीटी से ये क्लियर हो गया कि जापान पर हमला करना मतलब कि अमेरिका पर हमला करना, और अमेरिका पर हमला करना तो दोस्तों आप समझदार हो। और इस तरह जापान और अमेरिका धीरे धीरे एक अच्छे दोस्त बन गए। तो दोस्तों, ये रहा इस वीडियो का अंत। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।